हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 अल्टरनेटिव इंग्लिश चिनार बुक के चैप्टर द सूटर एंड पापा के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर द सूटर एंड पापा के राइटर का नाम है एंटोन चेकोव, जो कि एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उनका जन्म रशिया में हुआ था और वो एक फिजिशियन थे। द सूटर एंड पापा, इसमें सूटर का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। सूटर मतलब होता है लवर या फिर प्रेमी। इस चैप्टर में मेनली चार कैरेक्टर्स हैं। पहला है पियोटर पेट्रोविक मिल्किन, जो कि आप कह सकते हैं इस चैप्टर में मेन हीरो है। नेक्स्ट है किरिल ट्रॉफिमिक कॉन्ड्राशकिन, जिन्हें पूरे चैप्टर में कॉन्ड्राशकिन नाम से जाना गया है। ये प्रोफेशन से एक कोर्ट काउंसिलर है और ये नेस्टिया के फादर हैं, जिसका पूरा नाम है एनेस्थेसिया किरिलोवना कॉन्ड्राशकिन। और हमारे फोर्थ कैरेक्टर है डॉक्टर फिटुयेव। द सूटर एंड पापा, ये स्टोरी एक यंग मैन पियोटर पेट्रोविक मिल्किन के बारे में है, जो कि अपना सारा दिन नेस्टिया, जिसका पूरा नाम है एनेस्थेसिया किरिलोवना कॉन्ड्राशकिन, उसके साथ बिताया करता था। कॉन्ड्राशकिन के सात बेटियां थी और नेस्टिया उनमें से एक थी। नेस्टिया और मिल्किन के बीच में इतनी क्लोजनेस थी कि जिसे देखकर ज्यादातर लोग ये सोचने लगे कि वो दोनों आपस में जरूर शादी करेंगे। और मिल्किन के फ्रेंड्स भी उससे स्टैग पार्टी मांगने लगे। स्टैग पार्टी मतलब बैचलर पार्टी, जिसमें सिर्फ मेल फ्रेंड्स को ही इनवाइट किया जाता है। तो मिल्किन के फ्रेंड्स भी उससे स्टैग पार्टी मांगने लगे, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता चल गई कि मिल्किन शादी करने वाला है। लेकिन मिल्किन शादी करने के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। हालांकि वो नेस्टिया के साथ बहुत ही क्लोज था, वो वहीं पे डिनर किया करता था, अपना ज्यादातर समय वहीं पे बिताया करता था और इवनिंग वॉक में भी ज्यादातर उसी के साथ जाया करता था। यहाँ तक कि उसे फ्लावर्स के बंचेस भी दिया करता था। लेकिन मिल्किन के कोई भी प्लान्स नहीं था नास्तिया के साथ शादी करने के। और इतनी नजदीकियों को देखकर मिल्किन के फ्रेंड्स और नास्तिया की फैमिली मिल्किन को फोर्स करने लगी नास्तिया के साथ शादी करने के लिए। क्योंकि मिल्किन शादी करना ही नहीं चाहता था और वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता था, तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस जगह को ही छोड़ दिया जाए। तो इसलिए वो जाता है नास्तिया के घर उसके फादर कॉन्ड्राशकिन से मिलने के लिए, ताकि उसे जाकर वो गुड बाय कर दे और उसे कह दे कि वो अगले दिन यहाँ से चला जाएगा इस जगह को छोड़कर। और ये बात सुनकर कॉन्ड्राशकिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जानते थे कि कैसे मिल्किन सारा समर या फिर ज्यादातर समय उन्हीं के घर पड़ा रहता था, वहीं पर खाता था और इवनिंग वॉक में भी सिर्फ नेस्टिया के साथ ही जाना पसंद करता था और उसे बंचेस ऑफ फ्लावर्स भी ऑफर करता था। उसने इतने दिन वहीं का नमक खाया है, मतलब इतने दिन वहीं पे खाया भी है और दोनों के बीच क्लोजनेस भी है, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी सात बेटियों में से एक की शादी तो एटलीस्ट हो ही जाए। इसलिए मिल्किन जब वहां से चले जाने का बात कहता है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और वो मिल्किन से कहते हैं कि तुम जाओ और अभी अभी नेस्टिया को प्रपोज करो। इसके बाद का सीन कुछ ऐसा है कि मिल्किन कई सारे रीजंस या फिर एक्सक्यूजेस देता है, जिससे कि वो अपने इस फैलाए हुए रायते से बाहर निकल सके। सबसे पहले मिल्किन कहता है कि उसे नेस्टिया जैसी अच्छी लड़की नहीं मिल सकती अगर वो शादी करना चाहे तो। लेकिन मिल्किन ये भी कहता है कि उन दोनों के व्यूज और कन्विक्शन नहीं मिलते हैं, मतलब उन दोनों के नजरिए डिफरेंट हैं। लेकिन कॉन्ड्राशकिन इसे काउंटर करते हुए कहते हैं कि सभी मैन और वोमेन के डिफरेंट व्यूज और कन्विक्शंस होते हैं, तो तुम्हें ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिलेगी जिसके व्यूज और कन्विक्शंस सेम हो तुम्हारे साथ। फिर मिल्किन कहता है कि वो नेस्टिया के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। लेकिन इस पर कॉन्ड्राशकिन उसे ये याद दिलाते हैं कि वो एक सैलरीड मैन, मतलब कि तनख्वाह कमाने वाला आदमी है। मिल्किन का ये बहाना भी फेल हो जाता है। इसके बाद मिल्किन एक नया रीजन देता है कि वो ड्रंकार्ड यानी कि वो शराब पीता है। लेकिन इस पर कॉन्ड्राशकिन कहते हैं कि वो इस बात पर बिलीव ही नहीं करते कि वो ड्रिंक करता है, क्योंकि उन्होंने कभी उसे ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। और इस पॉइंट पर मिल्किन को ये रियलाइज हो जाता है कि कॉन्ड्राशकिन बहुत ही ढीठ किस्म के आदमी है और वो बिल्कुल डिटरमाइंड है कि वो अपनी बेटी नेस्टिया की शादी उसके साथ करवा के ही मानेंगे। मिल्किन को ऐसा लगता है कि मानो वो बिल्कुल एक बलि के बकरे जैसा है, जैसे कि
बकरे को पहले अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, फिर ही उसकी बलि चढ़ाई जाती है। बिल्कुल वैसे ही मिल्किन को अपने साथ एहसास हो रहा था। फिर मिल्किन अपना नेक्स्ट रीजन देता है। वो अचानक से ये कहता है कि वो ब्राइब भी लेता है, मतलब दहेज लेता है। इस पर कॉन्ड्राशकिन उसे ये याद दिलाते हैं कि दहेज कौन नहीं लेता इस दुनिया में, सभी लेते हैं। और अब मिल्किन को ऐसा फील होता है कि वो हारने ही वाला है। फिर मिल्किन थोड़ा और ड्रामेटिक हो जाता है और कहता है कि उसे किसी भी समय अरेस्ट कर लिया जा सकता है रॉबरी यानी कि डकैती के लिए। और अब की बार कॉन्ड्राशकिन थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं और वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे साइबेरियन जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर नास्तिया का लव प्योर रहा तो वो उसे जेल तक भी फॉलो करेगी। मिल्किन को अब ये समझ आ गया कि वो दोनों सेम गेम खेल रहे हैं। ये आदमी अपनी बेटी की शादी किसी भी कीमत में इसके साथ करवा के ही मानेगा। मिल्किन फिर से अपना दिमाग चलाता है और एक नया बहाना लाता है। वो कहता है कि वो एक रन अवे कन्विक्ट है, मतलब कि जेल से भागा हुआ मुजरिम या फिर कैदी है। तो कॉन्ड्राशकिन उससे पूछते हैं कि फिर अभी तक तुम्हें किसी ने अरेस्ट क्यों नहीं किया। इस पर मिल्किन कहते हैं कि वो किसी और का आइडेंटिटी यूज करके जी रहा है। कॉन्ड्राशकिन फिर भी उसे कहते हैं कि तुम जाकर प्रपोज करो, क्योंकि तुम्हें पुलिस मरते दम तक नहीं ढूंढ पाएगी क्योंकि तुम एक फेक आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। फिर मिल्किन एक लास्ट ट्राई करता है और कहता है कि वो एक मैडमैन यानी कि एक पागल आदमी है क्योंकि उसके पास कहने को और कुछ भी नहीं बचता। इस पर कॉन्ड्राशकिन कहते हैं कि एक मैडमैन इतना लॉजिकली और सेंसिबली आर्ग्यू नहीं कर सकता जैसे मिल्किन ने की है। इस बार मिल्किन उठ खड़ा होता है और कहता है कि वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाकर दिखा देगा जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि वो एक मैड है। फिर मिल्किन अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है जिसका नाम है डॉक्टर फिटुयेव और वो एक साइकेट्रिस्ट है। डॉक्टर को मिल्किन में कुछ भी गलत नहीं दिखा था। फिर मिल्किन डॉक्टर को उसे पागल सर्टिफाई करने को कहता है ताकि वो शादी से बच ही जाए क्योंकि मैरिज इज फॉरबिडन टू द मैड एंड इनसेन, मतलब कानूनन एक पागल आदमी से शादी नहीं कर सकते। इस पर डॉक्टर फिटुये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई देते हैं। वो कहते हैं कि वो मिल्किन को मैड सर्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी आदमी जो शादी नहीं करना चाहता वो एक वाइज मैन यानी कि एक बुद्धिमान आदमी होता है। लेकिन अगर कभी तुम्हें शादी करने का मन हो तब तुम मेरे पास ये सर्टिफिकेट लेने आ जाना। और मिल्किन के पास अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचता और वो बिल्कुल हेल्पलेस होकर बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।